जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा ले जा मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले चलो एक आप देख रहे हैं फिल्मी एवरग्रीन। फिल्मी एवरग्रीन देखने वालों को मेरा यानी श्वेता भारती का प्यार भरा नमस्कार। हाजिर हूँ आपका पसंदीदा शो फिल्मी एवरग्रीन लेकर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की। इस फिल्म का निर्देशन अनिल शर्मा ने की है। इसमें सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा और अमरीश पुरी मुख्य किरदार में नजर आए थे। सनी देओल को उनके शर्मीले किरदार के लिए फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार हेतु नामांकित भी किया गया था। फिल्म ने कुल 78 करोड़ रुपए की कमाई की थी। वहीं सनी देओल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म गदर 2 को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है, लेकिन उससे पहले मेकर्स ने इसके पहले पार्ट को थिएटर्स में 9 जून को रिलीज किया। ये पहली बार 15 जून 2001 को सिनेमा घरों में रिलीज की गई थी और इसने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। गदर सनी देओल के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक रही है। इसका बॉक्स ऑफिस पर आमिर खान की फिल्म लगान के साथ क्लैश हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों मूवी ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का दिल जीत लिया था। तो आइए जानते हैं फिल्म गदर की ऐसी ही कुछ और दिलचस्प बातें। सनी देओल और अमीषा पटेल की फिल्म गदर की रिलीज को 22 साल हो गए हैं, लेकिन दर्शकों को इसका एक एक सीन आज भी याद है। इस ऐतिहासिक हिट के बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि इसकी कहानी आजादी के समय की एक सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। गदर एक प्रेम कथा की कहानी सच्ची घटना से प्रेरित है। इसकी कहानी बूटा सिंह के जीवन पर आधारित है। उन्होंने बंटवारे के समय हुए दंगों के दौरान एक मुस्लिम लड़की को बचाया था। बताया जाता है कि फिल्म की कहानी इसी बूटा सिंह की कहानी से प्रेरित है। सनी देओल स्टार फिल्म गदर का बजट कुल 20 करोड़ रुपए था, लेकिन फिल्म सिनेमा घरों में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इसने वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। उस समय मूवी ने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया था। इतना ही नहीं, फिल्म का रिकॉर्ड सालों तक कायम रहा था और सालों बाद बाहुबली ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था। बताया जाता है कि गदर का फुटफॉल 5 करोड़ रुपए था और 16 साल के बाद प्रभास की फिल्म ने 5.75 करोड़ रुपए के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। गदर के लिए सनी देओल निर्देशक अनिल शर्मा की पहली पसंद नहीं थे। उनसे पहले गोविंदा को अप्रोच किया गया था, लेकिन बाद में मेकर्स ने अपना मन बदल लिया और तारा सिंह के लिए सनी देओल को कास्ट किया गया, जिन्होंने इस किरदार को अपने दमदार अभिनय से अमर कर दिया। इसके अलावा फिल्म में लीड एक्ट्रेस यानी कि सकीना के रोल के लिए एक्ट्रेस अमीषा पटेल भी मेकर्स की पहली पसंद नहीं थी। पहले इसके लिए काजोल को अप्रोच किया गया था, मगर उनका शेड्यूल काफी बिजी था। इसके बाद 500 लड़कियों का ऑडिशन सकीना के रोल के लिए लिया गया था, जिसमें अमीषा पटेल का सिलेक्शन हुआ था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉबी देओल का गदर से खास कनेक्शन है। वो इसकी रिलीज के समय ही बेटे आर्यमन के पिता बने थे। इस दौरान फिल्म की हिट के साथ परिवार वालों की खुशियां डबल हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी और ऐसे ही आगे की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए।